बच्चों, एवीएस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि यूपी बोर्ड 2023-24 क्लास 12th की मुख्य परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट सीरीज चल ही रही है, उसमें बायो यानी जीव विज्ञान के दो प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, जो कि चैप्टर फर्स्ट पुष्पीय पादपों में जनन से थे। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जो कि चैप्टर 2 से है, मानव में जनन या ह्यूमन रिप्रोडक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन होगा, जो कि होगा बहुविकल्पी प्रश्न होगा, प्रत्येक बहुविकल्पी प्रश्न होंगे 1 नंबर के। आज चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एंड्रोजन स्रावित होता है अथवा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का श्रावण होता है। ये दोनों तरीके से आपसे सेम क्वेश्चन पूछ सकता है, मीन्स कि एंड्रोजन स्रावित होता है अथवा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का श्रावण होता है, तो आपको बताना किसके द्वारा होता है। आपको यहाँ ऑप्शन फर्स्ट है लेडिंग कोशिकाओं द्वारा, सर्टोली कोशिकाओं द्वारा, स्पर्मेटिट्स द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। मीन्स कि इनमें से आपको बताना है कौन सी कोशिका ऐसी है जिसके द्वारा एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का श्रावण होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लेडिंग कोशिकाओं द्वारा एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का श्रावण होता है, सर्टोली कोशिका तथा स्पर्मेटिड्स के द्वारा नहीं होता है। सर्टोली कोशिका का कार्य क्या है ये जान लीजिए। सर्टोली कोशिका का कार्य है शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य होता है। शुक्राणु को पोषण प्रदान करने का कार्य होता है सर्टोली कोशिका का। स्पर्मेटिड्स को ही बोलते हैं प्राक शुक्राणु, या इसी को बोलते हैं पूर्व शुक्राणु का मतलब क्या है? शुक्राणु बनने से पूर्व की अवस्था, या प्राक शुक्राणु का मतलब भी यही है कि शुक्राणु बनने से पूर्व अवस्था। इसमें शुक्राणु बनने से पूर्व की जो अवस्था होती है उसमें शुक्राणु पूरी तरह से मेच्योर नहीं होते हैं, उसमें कायांतरण होता है। कायांतरण के पश्चात में पूर्ण रूपे शुक्राणु में परिवर्तित होते हैं। पूर्व शुक्राणु या प्राग शुक्राणु, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं स्पर्मेटिट्स, ये इसमें जो शुक्राणु का फॉर्मेशन होता है वो शुक्राणु अचल होते हैं तथा कायांतरण के पश्चात ये चल शुक्राणु में परिवर्तित होते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एंड्रोजन स्रावित होता है या टेस्टोस्टेरोन का श्रावण होता है लीडिंग कोशिकाओं द्वारा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, स्त्रियों में आवर्त चक्र सामान्यतः होता है। मीन्स आपको बताना है कि स्त्रियों में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिनों की होती है, वो साइकिल पूरी करने में कितने दिन लगते हैं? 10 से 11 दिन, पहला ऑप्शन से 10 से 11 दिन, दूसरा है 25 से 26 दिनों का, और तीसरा है 28 से 29 दिनों का, और आखिरी ऑप्शन से ऑप्शन डी 17 दिनों का। मीन्स आपको बताना है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंप्लीट करने में कितने दिन लगते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 28 से 29 दिन। मीन्स कि स्त्रियों में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल या आवर्त चक्र का साइकिल का जो टाइम पीरियड है वो लगभग 28 से 29 दिनों का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। स्त्रियों में अंडोत्सर्ग नियंत्रित होता है। आपको बताना है कि जो स्त्री होती है उसमें अंडोत्सर्ग को नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स कौन से हैं? LTH हार्मोन से ऑप्शन पहला, या FSH या LH ऑप्शन सेकंड, या थर्ड ऑप्शन से LTS तथा TSH, या डी ऑप्शन से ADH या LH। चलिए ये सभी ऑप्शंस के बारे में हम लोग जान लेते हैं, फिर उसके बाद सही आंसर की ओर बढ़ेंगे। पहला है LTS। LTS का पूरा नाम क्या होता है? ल्यूटोट्रॉपिक हार्मोन्स। ये क्या कहते हैं प्रोलैक्ट, इसी को ल्यूटोट्रॉपिक हार्मोन्स को एक प्रोलैक्टिन हार्मोन्स भी बोलते हैं, इसी को लैक्टोजेनिक हार्मोन्स भी बोलते हैं, और इसी को मैमोट्रॉपिक हार्मोन्स भी बोलते हैं। लैक्टोजेनिक तथा मैमोट्रॉपिक ये दोनों दूध से ही संबंधित है, मीन्स कि मैमेंस में दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती है तथा मैमेंस ही क्या कहते हैं बच्चों को जन्म देते हैं। मीन्स कि इससे आपको थोड़ा बहुत अंदाजा लग रहा होगा कि ये इसका संबंध दूध से ही होने वाला, मीन्स कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा यानी पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा उत्पादित होने वाले हार्मोन्स होते हैं, जो कि एक प्रोटीन हार्मोन्स होता है, जो कि प्रसव के बाद मीन्स कि बच्चे के जन्म के बाद जो महिलाओं में स्तन ग्रंथियां होती हैं
महिलाओं में जो स्तन ग्रंथियां होती हैं उनसे दुग्ध श्रावण को प्रेरित करने के लिए जो एंजाइम या जो हार्मोन्स की आवश्यकता होती है, मीन्स कि जो हार्मोन्स महिलाओं में दुग्ध उत्पादन को प्रेरित करता है, स्तन कोशिका में दुग्ध को भरने या उसको वो दुग्ध उत्पादन को प्रेरित करने का कार्य होता है, वो होता है LTH या लियोट्रोपिक हार्मोन्स का। अगला क्या है, दूसरा है FSH। FSH को फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स भी बोलते हैं, जो कि नर तथा मादा के यौन लक्षणों या यौन विकास के लिए आवश्यक हार्मोन्स होते हैं। मादा में ये मासिक चक्र को नियंत्रित करता है, जो कि अंडोत्सर्ग आदि क्रियाओं या मेंस्ट्रुअल साइकिल आदि को नियंत्रित करने का कार्य होता है, जबकि नर में ये क्या कहते हैं, शुक्राणु उत्पादन को उद्दीपित करने का कार्य करता है। मीन्स कि ये मादाओं में मासिक धर्म या इसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल या आर्तव चक्र भी बोलते हैं को नियंत्रित करने का कार्य करता है, जबकि FSH नर में शुक्राणु उत्पादन को उद्दीपित करने का कार्य करता है। अगला है LH। LH को बोलते हैं, इसका पूरा नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी पिट्यूटरी ग्लैंड से ही निर्मित होता है, जो कि पुरुष तथा स्त्रियों में महत्वपूर्ण हार्मोन्स, पुरुष और स्त्री दोनों के लिए महत्वपूर्ण हार्मोन्स होता है। दोनों में क्या कहते हैं, महिला में मासिक चक्र या अंडे उत्पादन को प्रेरित करने का कार्य करता है, जबकि पुरुष में टेस्टोस्टेरोन के उत्पादन में ये मदद करता है। मीन्स कि महिलाओं में अंडे उत्पादन तथा मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करने का कार्य, जबकि पुरुषों में ये टेस्टोस्टेरोन के उत्पादन में मदद करता है। और अगला था TSH। TSH को ही बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। मीन्स कि ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा रिलीज होता है, और इसका मुख्य कारण होता है जो कि हमारे शरीर में थायराइड के स्तर में कमी या अधिकता होती है, उससे उत्पन्न होने वाले विकार उनको नियंत्रित करना। यदि विकार थायराइड के स्तर में कमी आती है तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, वो थायराइड के स्तर को बढ़ाने का कार्य करता है। और लास्ट है ADH। ADH को एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन्स भी बोलते हैं। एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन्स मीन्स कि ये वृक्क के मूत्र वाहिनियों में जल पुनर्अवशोषण को बढ़ावा देता है। मीन्स कि ये वृक्क में जो मूत्र वाहिनियां पाई जाती हैं उनमें जल पुनर्अवशोषण को बढ़ाते हैं, जिससे कि मूत्र का नियमित मात्रा जिससे कि मूत्र नियमित मात्रा में बनता रहता है। और इसकी ही कमी से क्या कहते हैं, एक डिजीज होती है जिसको डायबिटीज इंसिपिडिस रोग भी कहते हैं। ये आप याद करके रखिएगा, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि डायबिटीज इंसिपिडिस किस हार्मोन्स के कमी या के द्वारा या अधिकता के कारण हो जाता है, तो आपको बताना है ADH या इसी को बोलते हैं एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन्स। अगला क्वेश्चन है, स्पर्मिएशन शुक्राणुओं के कहां से मुक्त होने की क्रिया है। आपको बताना है पहला ऑप्शन से शुक्रजनन नलिका द्वारा, शुक्रवाहिका द्वारा, अधिवृषण द्वारा या प्रोस्टेट ग्रंथि द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शुक्रनलिका द्वारा स्पर्मिएशन की क्रिया संपन्न होती है। आइए इसको देखते हैं एक चित्र के माध्यम से। जैसा कि यह चित्र आपको दिख रहा होगा, इस संरचना को बोलते हैं वृषण कोष कहलाता है। ठीक, इसमें ये जो संरचना है ये वाली, ये कहलाती है अधिवृषण। अधिवृषण में शुक्राणुओं का भंडारण होता है। मीन शुक्राणु का भंडारण कहाँ पर होता है, शुक्राणु का भंडारण अधिवृषण में होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि मानव में जो नर होते हैं, नर में शुक्राणुओं का भंडारण कहाँ होता है, तो वो होता है अधिवृषण में। और यहां से शुक्राणु निकलकर शुक्रजनन नलिकाओं द्वारा आगे पहुंचाया जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शुक्रजनन नलिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अच्छा, अगर आप लोगों को ये जो प्रैक्टिस सेट कर सीरीज चल रही है और इसके आप लोगों को PDF चाहिए, जो कि एकदम फ्री है, आपको इसके कोई चार्जेस नहीं देने हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आप ये QR कोड को भी स्कैन करेंगे तो डायरेक्ट ज्वाइन हो जाएंगे, या ये जो लिंक है ये
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो सीधे आप हमारी एवीएस की पाठशाला को ज्वाइन कर सकते हैं और जितने भी प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं उनकी पीडीएफ आप फ्री में पा सकते हैं और आप एक बार खुद से भी करके प्रैक्टिस देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन जो होंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न के, अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे जो कि दो अंक के होंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है भ्रूण का रोपण कहाँ होता है, मीन्स कि आपको बताना है कि जो भ्रूण होता है वो कहाँ पर रोपित होता है, मीन्स कि जो मादा का गर्भाशय है उसमें भ्रूण का रोपण कहाँ पर होता है, ये आपको बताना है। आइए इसको एक फिगर के माध्यम से अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि ये मादा का जनन तंत्र है, ठीक है, तो मादा के जनन तंत्र में फैलोपियन ट्यूब या फैलोपियन ट्यूब में जनन की क्रिया संपन्न होती है, यहीं पर क्या कहते हैं मादा का अंडाणु होता है, मादा के अंडाणु से शुक्राणु, यहीं पर, यहां पर देखिए ये मान लीजिए मादा का अंडाणु है, यहीं पर मादा के अंडाणु से शुक्राणु जब संलयित होता है, ये मादा हो गया, ये नर हो गया, मादा के अंडाणु से जब शुक्राणु संलयित होता है तो एक भ्रूण का निर्माण करता है, ठीक, और ये भ्रूण 5 से 6 दिन बाद धीरे धीरे यहीं से सरकते हुए गेंद जैसी संरचना हो जाती है और ये यहां पर आकर मेंस की गर्भाशय की आंतरिक, गर्भाशय की आंतरिक भित्ति या आंतरिक स्तर से जाकर चिपक जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भ्रूण का रोपण कहाँ होता है, भ्रूण का रोपण होता है गर्भाशय के आंतरिक स्तर से, मेंस की गर्भाशय के सबसे भीतरी भीतरी जो स्तर होता है वहां पर भ्रूण का रोपण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है योनि के द्वार पर कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं। आपको बताना है कि योनि के जो योनि द्वार होता है वहां पर कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं और वो उसका कार्य क्या होता है। तो इसको एक चित्र के माध्यम से इसको भी देखने की कोशिश करेंगे। जो ये मान लीजिए जिस चित्र में जैसे दिख रहा है, तो ये मान लीजिए योनि का द्वार है, ठीक है, यहाँ पर एक जोड़ी क्या कहते हैं बर्थोलिन ग्रंथियां पाई जाती है। बर्थोलिन ग्रंथि की संरचना मटर के दाने के समान होती है, जो कि मटर के दाने के समान संरचना होती है, जो कि योनि को नमी तथा योनि में जो चिकनाहट उत्पन्न करने का कार्य किसका होता है, बर्थोलिन ग्रंथि द्वारा ही योनि में चिकनापन बना रहता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, वृषण के दो कार्य लिखिए। वृषण के दो कार्य आपको लिखने हैं और बताना है। अच्छा ये बताइए कि मानव में या नर में कह लीजिए, नर का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है या प्राइमरी प्राथमिक लैंगिक अंग होता है वो क्या होता है, इसको इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है जिनको पता है, ठीक है। इसके बारे में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में हम इसके आंसर बताएंगे, आपको अभी इसका कमेंट कर आंसर देना है, सही गलत जो भी है आपको अगले प्रैक्टिस सेट में पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं इसके दो कार्य। नर लैंगिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का श्रावण करता है, मींस कि वृषण में जो लैंगिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है वो वृषण में ही बनता है, उसका श्रावण कहाँ पर होता है, वृषण में ही होता है। नर युग्मक यानी शुक्राणु का निर्माण भी कहाँ पर होता है, वृषण में होता है, शुक्राणु का फॉर्मेशन तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षण को प्रेरित करने वाले टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का श्रावण भी कहाँ पर होता है, तो वृषण के दो कार्य हो गए, पहला हो गया नर लैंगिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का श्रावण हो गया तथा दूसरा हो गया नर युग्मक या शुक्राणु का निर्माण करना। अगला क्वेश्चन है लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित व स्रावित वृषण हार्मोन का नाम लिखे, मीन्स की आपको बताना है लीडिंग कोशिकाओं द्वारा स्रावित व संश्लेषित व स्रावित वृषण हार्मोन कौन कौन से हैं, अथवा लीडिंग कोशिकाओं के कार्य बताइए। लीडिंग कोशिकाएं वृषण की लीडिंग कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का श्रावण करती हैं, मीन्स की जो वृषण में लीडिंग कोशिकाएं हैं लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का श्रावण होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करते हैं, नर के सहायक जनन अंगों तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होते हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का कार्य क्या है, नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के का विकास करना, मीन्स की टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को विकसित करने का कार्य करते हैं। तो इसकी थ्योरी देख लीजिए, वृषण की लीडिंग कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को स्रावित करती हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को स्रावित करने का कार्य करती हैं,
तथा जो कि नर के सहायक जनन अंगों मीन्स कि नर के सहायक जनन अंग तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायता करती है या सहायक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अच्छा, ये अगर चित्र के माध्यम से बताना चाहें तो इसका एक चित्र भी है वृषण के अनुप्रस्थ काट का। कभी कभी अच्छा ये चित्र भी पूछ लेता है कि वृषण के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए, तो आप ये चित्र बनाकर एक बार घर में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सिर्फ आपको ये चित्र बनाना है, आपको 2 नंबर आराम से मिल जाएंगे। अंतराली कोशिका, इसी अंतराली कोशिका को ही बोलते हैं लीडिंग लीडिंग कोशिका या लीडिंग सेल। ठीक, अंतराली कोशिकाओं को लीडिंग सेल बोलते हैं। इसमें शुक्राणु जनन यानी शुक्र जनन की क्रिया संपन्न होती है वृषण में ही, और शुक्र जनन की क्रिया के पश्चात मीन्स कि इसमें एक बार समसूत्री विभाजन होता है और 2 बार अर्धसूत्री विभाजन होने के पश्चात शुक्राणु का फॉर्मेशन होता है। मीन्स शुक्र जनन कोशिकाओं में एक बार समसूत्री विभाजन तथा 2 बार अर्धसूत्री विभाजन होता है जिस के पश्चात शुक्राणुओं का फॉर्मेशन होता है। ये यहाँ पर शुक्राणु का फॉर्मेशन हो रहा है, ये यहाँ पर शुक्र जनन की क्रिया संपन्न हो रही है, ये जो पार्ट है और ये शुक्राणु का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। और सर्टोली कोशिकाएं मीन्स कि सर्टोली कोशिकाओं का कार्य क्या होता है? ये जो सर्टोली कोशिकाएं हैं, ये सर्टोली कोशिकाओं का कार्य क्या है? शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना मीन्स कि शुक्राणुओं को जो पोषण प्रदान करने का कार्य क्या है, किसका होता है? इन्हीं सर्टोली कोशिकाओं का कार्य होता है शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का। अगला क्वेश्चन, सर्टोली कोशिकाओं पर टिप्पणी दीजिए, मीन्स कि आपको सर्टोली कोशिकाओं पर टिप्पणी लिखनी है अथवा उन कोशिकाओं का नाम लिखिए जो विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। मीन्स कि आपको बताना है कि उस कोशिका का नाम लिखना है कि जो कि विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है, अथवा मानव वृषण में सर्टोली कोशिकाओं का क्या कार्य है। अभी जो फिगर में मैंने बताया कि सर्टोली कोशिकाओं का कार्य क्या है, अगर आपने उसको ध्यान से देखा होगा तो इस क्वेश्चन का आप आंसर आसानी से दे सकते हैं। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर इसका सही आंसर दीजिए। चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। वृषण की शुक्र नलिकाओं में उपस्थित सर्टोली कोशिकाएं शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। मीन्स अभी मैंने बताया कुछ देर पहले जो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं इनका कार्य क्या होता है? शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य सर्टोली कोशिकाओं का होता है। शुक्राणु को पोषण प्रदान करने का कार्य किसका होता है? सर्टोली कोशिकाओं का। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा वृषण की शुक्र नलिकाओं में उपस्थित सर्टोली कोशिकाएं शुक्राणु कोशिकाओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन है, मीन्स कि आपको प्रश्न में आ तथा बा दोनों के उत्तर देने हैं। पहला क्वेश्चन है आ, जिसमें प्राक शुक्राणु या स्पर्मेटिक्स द्वितीय प्राक शुक्राणु जन से किस प्रकार से कोशिका विभाजन द्वारा बनता है। मीन्स कि जो प्राक शुक्राणु होता है आपको बताना है इसका फॉर्मेशन किस प्रकार के विभाजन द्वारा होता है। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन है मानव में शुक्राणु मानव गुणसूत्रों की संख्या, मीन्स कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या बतानी कितनी होती है, और महिला तथा पुरुष के गुणसूत्रों में क्या अंतर है ये आपको बताना है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं क्या है कि प्राक शुक्राणु या स्पर्मेटिक्स, इसके बारे में मैंने अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन आया था उसमें बताया था कि जो प्राक शुक्राणु या स्पर्मेटिक्स, इसी को पूर्व शुक्राणु प्रवस्था भी कहते हैं, ये शुक्र जनन की क्रिया में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन तथा द्वितीय प्रथम सूत्री पहले होता है समसूत्री विभाजन, फर्स्ट होता है समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है समसूत्री विभाजन, फिर इसके बाद इसमें होते हैं 2 बार अर्ध सूत्री विभाजन, 2 बार इसमें अर्ध सूत्री विभाजन होता है। तो जो प्राक शुक्राणुओं के फॉर्मेशन की क्रिया होती है ये अर्ध सूत्री विभाजन द्वितीय है, यानी कि दोबारा जब अर्ध सूत्री विभाजन होता है उसके पश्चात प्राक शुक्राणु या पूर्व शुक्राणु का निर्माण होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्राक शुक्राणु या स्पर्मेटिक्स
अर्धश्रुति विभाजन सेकंड द्वारा बनते हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, दूसरे क्वेश्चन में था कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, महिला एवं पुरुष के गुणसूत्रों में क्या अंतर है। तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 या 23 जोड़ी, या मेंस की मानव गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी या 46 होती है, टोटल 46 होते हैं या 23 जोड़ियों में होते हैं। ठीक, ये पहले क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया, मेंस बाद में दो क्वेश्चन है तो पहले क्वेश्चन का इतने का आंसर हो गया, 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र। अब इसी में एक क्वेश्चन और पूछता है, महिला एवं पुरुष के गुणसूत्रों में क्या अंतर है। महिला एवं पुरुष के गुणसूत्रों में मेंस के मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या तो टोटल 46 होती है। ठीक, अब स्त्री के अंदर 23 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र या 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी या टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 22 जोड़ी ऑटोसोम्स होते हैं। ऑटोसोम इन्हीं को बोलते हैं अलिंग गुणसूत्र, मीन्स की 22 जोड़ी ऑटोसोम या अलिंग गुणसूत्र होते हैं, और जो 23वीं जोड़ी होता है वो कहलाता है लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम। मीन्स की स्त्री के अंदर 44 जोड़ी 44 गुणसूत्र और दो ये जो 23वीं जोड़ी वाले हैं ये 44 हो गए 22 जोड़ी के, जिनको बोलते हैं अलिंग गुणसूत्र, और ये जो 23वीं जोड़ी का है XX ये 23वीं जोड़ी वाला है, इसको बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। ये होते हैं जिस और इनमें महिला जो होती है, महिला को डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं XX का लिंग निर्धारण है, और पुरुष में क्या है XY। तो इसमें 22 जोड़ी तो दोनों में समान होते हैं, मींस कि मेल और फीमेल यानी महिला और पुरुष में 22 जोड़ी दोनों समान होते हैं, जबकि 23वीं जोड़ी में क्या है, महिला में तो एक्स और एक्स होता है क्योंकि यहाँ पर 2x है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि दोनों एक्स ही एक्स है, तो जो एक पेयर बनता है 22 प्लस एक्स का तथा दूसरा भी अगर देखें तो दोनों क्या कहते हैं 22 प्लस एक्स का, जिससे अंडाणु का फॉर्मेशन होता है। जबकि पुरुष के अंदर दो प्रकार के होते हैं, पहला तो होता है एक्स, दूसरा होता है वाई, मीन्स की 44 प्लस एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, मीन्स की 22 जोड़ी जो ऑटोसोम्स होते हैं या अलिंग गुणसूत्र वो तो दोनों में समान होते हैं, जबकि 23वीं जोड़ी में पुरुष में एक्स वाई हो जाता है जबकि महिला में एक्स एक्स होता है और पुरुष में एक्स वाई। तो इसके जो गुणसूत्र के सेट बनते हैं 22 प्लस एक्स का बनता है, या तो ये फ्यूज होता है अंडाणु के साथ, या फिर दूसरा सेट होता है 22 प्लस वाई। अगर ये फ्यूज होता है महिला के अंडाणुओं के साथ तो ये स्त्री, इससे स्त्री का जन्म होता है, जबकि एक्स 22 प्लस वाई जब ये महिला के साथ फ्यूज होता है या स्त्री के साथ स्त्री के अंडाणु के साथ फ्यूज होता है तो इससे बनता है क्या पुरुष या नर बच्चे का जन्म होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, मानव गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, स्त्री के अंदर 44 प्लस XX 23 यानी 46 या 23 जोड़ी इसमें भी होते हैं, जिसमें से 22 जोड़ी होते हैं हाँ अलिंग गुणसूत्र या ऑटोसोम, और 23वीं जोड़ी होता है सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, जो कि XX 22 प्लस एक्स का सेट या 22 प्लस एक्स का सेट, मीन्स कि इसमें दोनों एक्स एक्स समान है तो एक्स एक्स होता है, जबकि पुरुष में यहीं पर सिर्फ अंतर हो जाता है कि एक होता है एक्स एक होता है वाई, मीन्स 44 प्लस एक्स वाई, और जिसमें एक सेट तो बन जाता है 22 प्लस एक्स जैसा कि स्त्री के समान ही था, दूसरे में अंतर हो जाता है 22 प्लस वाई। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा, और ये क्वेश्चन आप इस तरीके से मत लीजिएगा कि सिर्फ ये एक ही क्वेश्चन है, इसमें से मैंने कई तरीके से बताने की कोशिश की है और कई तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं लघुतरी प्रश्न के आने वाले हैं, जो कि 3 अंक के होंगे,
उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देनी होगी। पहला क्वेश्चन है, अपरा की परिभाषा दीजिए या तथा इसके दो कार्य लिखिए। मीन्स कि आपको अपरा की परिभाषा देकर उसके दो कार्य लिखने, अथवा दूसरा क्वेश्चन है, अपरा से क्या तात्पर्य है, अपरा के प्रकार तथा कार्यों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये अगला क्वेश्चन हो गया। अथवा अपरा को ही बोलते हैं इंग्लिश में प्लेसेंटा, अपरा या प्लेसेंटा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला इसी में है, अपरा क्या है इसके मुख्य कार्य लिखिए, अपरा की परिभाषा दीजिए तथा इनके कार्यों का वर्णन कीजिए। मीन्स की अगर आप देख पा रहे हो तो ये लगातार लगभग आया ही आया है। मीन्स ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से तैयार कर लेंगे तो मान के चलिए बोर्ड में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा ही। आप देख लीजिए खुद ही कि कितनी बार, हर बार लगभग लगभग पूछा ही गया है। ठीक है, अभी 22 में पूछा गया है, 23 में नहीं पूछा गया, तो अब की उम्मीद है कि ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। पहले इसको एक चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये रहा एक चित्र जिसमें एक शिशु है जो कि अपरा या प्लेसेंटा के द्वारा अपनी माता के गर्भाशय की दीवार से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये अपरा का जो जुड़ने का स्थान होता है ये गर्भाशय के भीतरी दीवार से होता है, यानी कि गर्भनाल या गर्भनाल की जो धमनियां है, गर्भाशय की जो भीतरी दीवार है उससे जुड़ जाती है, तथा मां जो इसकी माँ है या माता होती है, माता में शिशु तक पोषण, माता से शिशु तक पोषण तत्वों तथा ऑक्सीजन का प्रवाह किसके द्वारा होता है, वो उसका प्रवाह करने का कार्य भी होता है अपरा या प्लासेंटा का। तथा शिशु अगर वो पोषक तत्वों को ग्रहण करेगा या ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा तो वो बदले में कुछ अवशिष्ट पदार्थ को भी मुक्त करेगा। अगर ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है तो उसके स्थान पर अवशिष्ट पदार्थ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को वो रिलीज करेगा, तो उसको बाहर निकालने के लिए भी अपरा या प्लेसेंटा के माध्यम से ही वो जो उसकी माता होती है उसके रुधिर में रिलीज कर दिए जाते हैं, तथा रुधिर के माध्यम से भी अवशिष्ट पदार्थ तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। मेंस की शिशु को पोषक पोषण प्रदान करना तथा ऑक्सीजन के प्रवाह के लिए अपरा आवश्यक है, तथा शिशु में जो उत्पन्न हो रहे अवशिष्ट पदार्थ या कार्बन डाइऑक्साइड उनको निकालने के लिए, उनको बाहर निकालने के लिए भी एक माध्यम आवश्यक होता है जिसको बोलते हैं अपरा। चलिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं क्या है। अपरा वह संरचना होती है जिसके द्वारा जरायु स्तनियों का विकासशील भ्रूण या गर्भ मात्रक गर्भाशय रुधिर से अपना पोषण प्रदान करता है। मीन्स कहने का तात्पर्य यही है कि अपरा वह संरचना होती है जिसके द्वारा जरायुजी या स्तनधारियों में वो अपनी माता या माता से शिशु रुधिर के माध्यम से पोषक तत्व तथा ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, तथा अवशिष्ट पदार्थों को रिलीज या मुक्त करने का कार्य भी, मुक्त करने का जो एक माध्यम होता है वो होता है अपरा। वो रुधिर में मुक्त कर दिया जाता है तथा अपरा द्वारा वो बाहर चला जाता है। आगे चलते हैं, देखते हैं इसी में पूछा था कि अपरा कितने प्रकार के होते हैं। तो भ्रूणीय झिल्ली के आधार पर अपरा कई प्रकार के होते हैं, यानी निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला इसमें प्रकार है पीट कोष अपरा, इसी को यॉर्क सैक प्लेसेंटा भी बोलते हैं। इस प्रकार के अपरा में क्या कहते हैं कि जो इस प्रकार का अपरा होता है वो मेनली कंगारुओं में पाया जाता है। कंगारुओं में जो झिल्ली होती है मीन्स कि जिसमें वो अपने थैली होती है जिसमें वो बच्चे को रखता है, वहां पर पीत कोष अपरा का ही निर्माण होता है। फिर अगला है कैरियो एलेंटोइक अपरा या कैरियो एलेंटोइक प्लेसेंटा। कैरियो एलेंटोइक अपरा या कैरियो एलेंटोइक प्लेसेंटा ये जैसे कि ह्यूमंस या ह्यूमन बींग्स या हम लोगों ये मानव में जो पाया जाता है जिस प्रकार का प्लेसेंटा या अपरा वो होता है कैरियो एलेंटोइक प्रकार का या कैरियो एलेंटोइक प्लेसेंटा मनुष्यों में पाया जाता है। अगला है जरायु अपरा या इसे को बोलते हैं कैरियोनिक प्लेसेंटा। इसमें ये इस प्रकार का जो अपरा या प्लेसेंटा होता है ये यूथीरियन प्राणियों में पाया जाता है। ठीक है, ये देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। मानव में शुक्राणु की संरचना का वर्णन कीजिए, मानव शुक्राणु का सच नामांकित चित्र बनाइए, अथवा मानव के शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए। ये क्वेश्चन आता ही आता है, या तो इसके
थ्योरी के बारे में पूछेगा कि सचित्र वर्णन कीजिए, तो वो आपको लॉ में देखने को मिलेगा, या इसी में होता क्या है, आपको बोल देगा कि इसका स्वच्छ नामांकित चित्र बनाए जो कि 2 अंक या 2 नंबर का, कभी कभी 3 नंबर में भी ये पूछ लेते हैं कि मानव के शुक्राणु का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। आपको या तो मानव के शुक्राणु का स्वच्छ नामांकित चित्र, चलिए इसका आंसर जान लेते हैं क्या है। मानव, इसमें आपको क्या कहते हैं, एक चित्र बनाना है जो कि मानव शुक्राणु का होगा। चलिए इसमें देख लेते हैं कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं। मानव शुक्राणु के प्रत्येक शुक्राणु में 3 भाग होते हैं, मीन्स कि जो मानव का शुक्राणु होता है वो 3 भागों में बटा हुआ होता है। पहला होता है शीर्ष भाग, दूसरा होता है मध्य भाग या मध्य खंड, और तीसरा होता है पुच्छ या टेल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेल। मीन्स कि जो मानव शुक्राणु 3 भागों में विभेदित रहता है। पहला होता है शीर्ष भाग। शीर्ष भाग ये जो इतना भाग दिख रहा है ये वाला, इसको बोलते हैं शीर्ष खंड या शीर्ष भाग। ठीक, ये जो संरचना है इसको शीर्ष भाग कहते हैं। इसमें क्या है, एक केंद्र का निर्माण होता है, केंद्र के जस्ट बाहर होता है कोशिका द्रव, कोशिका द्रव। ठीक, और इसके ऊपर ये जो संरचना दिख रही है केंद्र के जस्ट ऊपर, इसको बोलते हैं एक्रोसोम, जो कि गॉल्जी कैप द्वारा ही निर्मित होता है। एक्रोसोम में एक एंजाइम पाया जाता है जिसको बोलते हैं लाइसिन, लाइसिन एंजाइम। लाइसिन एंजाइम क्या करता है, ये जो अंडाणु होता है अंडाणु की बाह्य परत को भेदने का कार्य ये एक्रोसोम में जो लाइसिन एंजाइम होता है उसी का मुख्य कार्य होता है कि जो उसको भेदे। ठीक है, और भेदने के पश्चात इसमें जो केंद्रक में समस्त गुणसूत्री पदार्थ जेनेटिक मटेरियल इकट्ठा होता है वो उसमें रिलीज कर देता है, और वहां से क्या कहते हैं निषेचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। चलिए इसकी थ्योरी देख लेते हैं, फिर एक बार फिगर से फिर समझने की कोशिश करेंगे। थ्योरी में क्या है, हेड या शीर्ष भाग, मीन्स की ये भाग के बारे में आपको देखना है। शुक्राणु का शीर्ष प्रायः फूला हुआ होता है, मीन्स के जो शुक्राणु के जो शीर्ष होते हैं प्राय फूला हुआ घुंडीनुमा या शंक्वाकार होता है। कुछ जंतुओं में या लंबा या दंडनुमा होता है, मीन्स के अलग अलग जंतुओं में अलग अलग प्रकार से शुक्राणु का फॉर्मेशन होता है। इनमें केंद्रक स्थित होता है, मीन्स की ये जो भाग है ये भाग ये केंद्रक है। केंद्रक में क्या होता है, केंद्रक में हमारा गुणसूत्री पदार्थ या इसी को आनुवंशिक पदार्थ बोलते हैं वो इकट्ठा रहता है। इसी में इसके केंद्र इसमें एक केंद्रक स्थित होता है। ठीक, केंद्रक के चारों थोड़ा सा कोशिका द्रव, जैसा कि अभी बताया ये जो केंद्रक है इसके जस्ट अगले लेयर होती है जिसमें कि क्या कहते हैं कुछ मात्रा में सूक्ष्म मात्रा में यहाँ पर कोशिका द्रव भरा रहता है, और कोशिका द्रव को पैक करने के लिए एक कला पाई जाती है जिसको बोलते हैं जीव द्रव्य कला। इसी से क्या कहते हैं कोशिका द्रव्य पूरा पैक्ड रहता है। ठीक, और इसके शीर्ष भाग में गाल्जी काय की बनी एक एक्रोसोमल संरचना होती है, जैसा कि अभी बताया कि जो ये एक्रोसोमल संरचना है, एक्रोसोमल संरचना किसकी बनी होती है, गाल्जी काय से एक्रोसोमल संरचना बनी होती है जिसमें एंजाइम जो कि डोपिनोमा संरचना होती है, और इसमें कई सारे एंजाइम समाहित रहते हैं, और मेन इसमें एक एंजाइम होता है लाइसिन, मेन एंजाइम होता है लाइसिन एंजाइम का कार्य भी हम मैंने कुछ देर पहले ही बताया कि ये अंडाणु के परत को भेदने का कार्य तथा स्पर्म या शुक्राणु को अंडाणु तक पहुंचाने के लिए अति आवश्यक एंजाइम होता है। ठीक, इसमें जैसे एक्रोसोम नामक टोबिनोमा संरचना होती है जो कि जल अपघटनीय एंजाइमों को श्रावण करती है, जैसा कि मैंने बताया कि जल घटनीय एंजाइम कौन सा है, लाइसिन एंजाइम का श्रावण कर अंडाणु की भित्ति को नष्ट कर देती है और निषेचन में सहायक होती है। मीन्स कि यही लाइसिन एंजाइम अंडाणु की भित्ति को नष्ट कर देता है और क्या अंडाणु से संलयित होकर निषेचन की क्रिया को आरंभ कर देता है। अगला भाग क्या है, मध्य भाग ये यहां से ये वाली संरचना इतना इतना पोर्शन कहलाता है मध्य भाग, और शेष भाग तथा मध्य भाग को अलग करने का कार्य किसका होता है, ग्रीवा का। मीन्स की ग्रीवा यानी गर्दन जिसको बोलते हैं, मीन्स शेष भाग और मध्य खंड या मध्य
पीस को अलग करने का कार्य किसका होता है? ग्रीवा भाग का। अगले देखते हैं मध्य खंड या मध्य भाग क्या है। मध्यखंड, ये इसे मिडिल पीस भी कहते हैं। यह केंद्रीय पतला दंड नुमा भाग होता है, मीन्स कि ये भाग मैंने बताया था ना, कि इसी भाग को बोलते हैं मध्य खंड या मध्य पीस। इसको अलग करने का कार्य किसका होता है? ग्रीवा का, और इसके ऊपर का भाग शीर्ष भाग कहलाता है मध्य। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि क्या। यह केंद्रीय पतला दंड नुमा भाग होता है जो छोटी सी ग्रीवा, मीन्स कि जो ये ग्रीवा है, ये पोर्शन, इसको बोलते हैं ग्रीवा। छोटी सी ग्रीवा द्वारा शीर्ष से जुड़ा रहता है, तथा मध्य भाग, ये जो संरचना दिख रही है, ये जिगजैग नुमा ऐसी संरचना, इसको बोलते हैं माइटोकांड्रिया। मीन्स कि मध्य भाग में माइटोकांड्रिया पाए जाते हैं जो संपूर्ण शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है, तथा मध्य भाग में ऊपर, मध्य भाग में ही ऊपर ग्रीवा के पास दो तारक केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक, मीन्स कि ये यहाँ तारक केंद्रक पाए जाते हैं, और मध्य भाग के अंत में यहाँ पर, मीन्स कि मध्य भाग जहां से आरंभ होता है और मध्य भाग जहां पर खत्म होता है, वहां पर दो तारक का केंद्रक उपस्थित होते हैं। ये एक तो एरो बनाइए, और एक ये, मीन्स कि ये दोनों क्या है? तारक का है, केंद्रक है। तथा पुच्छ तंतु या पुच्छ या टेल, इसे को इंग्लिश में बोलते हैं टेल, ये क्या करता है? ये प्रायः एक लंबी कोड़े नुमा संरचना जो अत्यधिक गतिशील होती है, तथा पुच्छ द्वारा शुक्राणु तरल माध्यम में गति करता है। मीन्स कि जो मध्य भाग के बाद का पोर्शन है या पार्ट है, ये घुमा हुआ या कुंडलित नुमा, इसी को बोलते हैं पुंछ या पुच्छ। इसका कार्य क्या होता है? ये समस्त शुक्राणु संरचना को गति प्रदान करने का, तथा तरल माध्यम में गति करने के लिए यह अति आवश्यक है, जो कि शुक्राणु को गति प्रदान करता है, और तरल माध्यम में तैरता हुआ ये मादा के अंडाणु तक पहुंचता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में अंडाणु 13वां क्वेश्चन, जिसमें पूछ रहा है कि अंडाणु जनन तथा शुक्राणु जनन में अंतर तथा समानता लिखिए। मीन्स कि आपको अंडाणु जनन तथा शुक्राणु जनन में अंतर अंतर तथा समानता दोनों बताना है। मीन्स कि अंडाणु जनन और शुक्राणु जनन में क्या अंतर है तथा क्या समानता है। चलिए देख लेते हैं अंडाणु जनन और शुक्राणु जनन में अंतर क्या है। पहला पॉइंट है, यह प्रक्रिया वृषण में होती है। मीन्स कि अंड जनन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? यह शुक्र जनन, शुक्राणु जनन, शुक्र जनन की प्रक्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? यह वृषण में होती है। जबकि अंडाणु जनन की प्रक्रिया, अंडाणु जनन की प्रक्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? अंडाशय में। मीन्स कि यह प्रक्रिया, पहला पॉइंट है, यह प्रक्रिया वृषण में संपन्न होती है शुक्राणु जनन की, जबकि अंडाणु जनन की प्रक्रिया अंडाशय में संपन्न होती है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है, इसमें शुक्राणु जनन में इसमें वृद्धि प्रवस्था छोटी होती है। मीन्स कि शुक्राणु जनन में जो वृद्धि प्रवस्था होती है वो छोटी होती है, जबकि अंडाणु जनन में वृद्धि प्रवस्था अत्यधिक लंबी होती है। ठीक, अगला अंतर क्या है? एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से चार शुक्राणु या चार आगुणित शुक्राणु का फॉर्मेशन होता है। मीन्स कि एक ये प्राथमिक प्राक शुक्राणु कोशिका है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है, जिससे दो द्वितीयक प्राक शुक्राणुओं का निर्माण होता है। द्वितीयक से फिर इनमें एक बार अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात ये चार कोशिकाओं में बढ़ जाता है। इसी प्रकार ये चार कोशिकाएं चार आगुणित शुक्राणुओं का फॉर्मेशन करती है। एक प्राथमिक अंडाणु कोशिका से एक प्राथमिक अंडाणु कोशिका से अंडाणु एक दो या ध्रुवीय काय का निर्माण करती है। मीन्स के प्राथमिक अंडाणु कोशिका से एक अंडाणु और दो या तीन ध्रुवीय काय संरचना का फॉर्मेशन या निर्माण करती है। सेम ऐसी प्रक्रिया उसमें भी होती है, अंड जनन या अंडाणु जनन की प्रक्रिया में एक प्राथमिक अंडाणु कोशिका में फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन होता है। फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात
एक प्राथमिक अंडाणु का फॉर्मेशन होता है, प्राथमिक अंडाणु के पश्चात द्वितीय अंडाणु, द्वितीय कंडक से एक प्रॉपर अंडाणु का फॉर्मेशन होता है जिसको, और द्वितीय अंडक के साथ साथ प्राथमिक द्विध्रुव का, प्राथमिक द्विध्रुव अंडाणु, और जहां और फिर इसमें प्राथमिक अंडाणु में जब फिर से एक बार सूत्र विभाजन होता है जिससे प्रॉपर एक अंडाणु का फॉर्मेशन हो जाता है तथा द्वितीय द्विध्रुव अंडाणु का फॉर्मेशन होता है। और प्राथमिक द्विध्रुवीय अंडाणु में एक कभी कभी एक बार अधिसूत्री विभाजन और हो जाता है जिससे कि क्या कहते हैं, अधिसूत्री विभाजन होता है, ये पुनः दो भागों में बट जाएंगे और इससे तीन ध्रुवीय का निर्माण हो जाता है। मीन्स कि इस प्रकार से तीन ध्रुवीय का निर्माण हो जाता है। अगला अंतर देखते हैं। अगले अंतर में क्या गया, चौथा पॉइंट, स्पर्मेटिड से कायंत्रण द्वारा गतिशील शुक्राणुओं का निर्माण होता है। मीन्स कि जो स्पर्मेटिड से यानी प्राक शुक्राणु है, प्राक शुक्राणु में कायंत्रण की प्रक्रिया आरंभ होती है। कायंत्रण के पश्चात ये जो प्राक शुक्राणु होते हैं ये अचल होते हैं। कायंत्रण जब हो जाता है तो इसमें पूंछ का फॉर्मेशन हो जाता है जिससे कि एक गतिशील शुक्राणुओं का फॉर्मेशन हो जाता है, जबकि अचल अंडाणु में कायंत्रण नहीं होता क्योंकि अंडाणु हमेशा अचल होते हैं, उसमें चलन की आवश्यकता, चलन माध्यम की आवश्यकता ही नहीं होती है। चलन सिर्फ शुक्राणु में होता है और अंडाणु अचल होते हैं, इसलिए इसमें कायंत्रण की प्रक्रिया नहीं होती है। और पांचवा अंतर क्या है, दोनों अर्धसूत्री विभाजन शुक्राणु निर्माण से पूर्व हो जाते हैं। मीन्स कि इसमें जो दोनों प्रकार का फर्स्ट, पहला समसूत्री विभाजन होता है, दूसरा सब पहला समसूत्री विभाजन होता है, फिर प्रथम अर्धसूत्री, फिर द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो ये जो अर्धसूत्री विभाजन दोनों होते हैं ये क्या होते हैं, शुक्राणु फॉर्मेशन के पहले ही हो जाते हैं, शुक्राणु पूर्व, शुक्राणु निर्माण से पूर्व भी हो जाते हैं। जबकि अंडाणु जनन में क्या होता है, दूसरा अर्धसूत्री विभाजन अंडाणु में शुक्राणु के प्रवेश के बाद पूर्ण होता है। मैं इसकी जो अंडाणु जनन की प्रक्रिया है इसमें जो दूसरा विभाजन होता है, दूसरा अर्धसूत्री विभाजन होता है, वह कैसा होता है, अंडाणु में जब शुक्राणु प्रवेश कर जाता है, मीन्स कि अंडाणु में जब शुक्राणु का प्रवेश हो जाता है उसके पश्चात क्या होता है, दूसरा अर्धसूत्री विभाजन प्रारंभ होता है। दूसरा अर्धसूत्री विभाजन जब अंडाणु में शुक्राणु प्रवेश कर जाता है तो प्रारंभ होता है। तो ये कुछ अंतर थे अंडाणु तथा शुक्राणु जनन में। अब इसके समान शुक्र जनन तथा अंड जनन में कुछ समानताएं भी हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। दोनों, पहली समानता क्या है, दोनों क्रियाएं तीन प्रवस्था में पूर्ण होती हैं, गुणन प्रवस्था, ठीक, वृद्धि प्रवस्था तथा परिपक्वन प्रवस्था। मीन्स जो शुक्राणु जनन या शुक्र जनन भी बोलते हैं, अंड और अंड जनन की प्रक्रिया दोनों तीन प्रवस्था में पूर्ण होती है। पहली होती है गुणन प्रवस्था, दूसरी होती है वृद्धि प्रवस्था, तीसरी होती है परिपक्वन प्रवस्था, इसे को बोलते हैं मैचुरेशन फेज। दूसरी समानता क्या है, दोनों क्रियाएं जनदों की जनन उपकला कोशिकाओं में होती है। मीन्स कि दोनों जो कि शुक्राणु जनन तथा अंडाणु जनन की जो क्रियाएं होती है, दोनों क्रियाएं जनदों की यानी कि मेल एंड फीमेल की जनन उपकला कोशिकाओं में, उपकला कोशिकाओं में संपन्न होती है। और तीसरा क्या, दोनों क्रियाओं में मुख्य भूमिका किसकी होती है, अर्धसूत्री विभाजन की। मीन्स कि जो शुक्राणु जनन की क्रिया तथा अंडाणु जनन की क्रिया दोनों में जो मुख्य भूमिका किसकी होती है, अर्धसूत्री विभाजन की। तो ये कुछ इसमें अंतर तथा समानताएं थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन जो होने वाला है दीर्घोत्तरी प्रकार का होगा, जो कि 5 अंकों का होगा, इसको आपको ध्यान से देखना है। इसमें क्या कह रहे हैं कि शुक्राणु जनन क्या है, शुक्राणु जनन की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। मीन्स कि आपको शुक्राणु जनन के बारे में बताना है तथा इसकी विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करना है, अथवा शुक्र जनन क्या है, शुक्र जनन की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए। शुक्र जनन क्या होता है, मीन्स कि वृषण शुक्र जनन क्या होता है, शुक्र जनन समझ लीजिए, शुक्र जनन
या शुक्राणु जनन भी इसी को बोलते हैं, शुक्रजनन शुक्राणु जनन, शुक्राणु जनन। ये क्या होता है? वृषण। वृषण में क्या कहते हैं, शुक्राणुओं के फॉर्मेशन की क्रिया को वृषण में शुक्राणुओं के वृषण में शुक्राणु वृषण में शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को भी क्या कहते हैं, शुक्रजनन कहते हैं। मीन्स की शुक्राणु जनन क्या है, वृषण में जो शुक्राणु का निर्माण होता है, वृषण में शुक्राणु का जो निर्माण होता है वही क्रिया क्या कहलाती है, शुक्राणु जनन कहलाती है। ठीक, चलिए इसकी थ्योरी देख लेते हैं क्या कह रहा है। शुक्राणु जनन वह प्रक्रिया, शुक्राणु जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वृषणों में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। जो कहने का तात्पर्य वही है जो मैंने अभी बताया कि वृषण में शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को भी क्या कहते हैं, शुक्राणु जनन या शुक्र जनन भी इसको बोलते हैं। यह प्रक्रिया लैंगिक हार्मोन द्वारा प्रभावित होती है। जो शुक्र जनन या शुक्राणु जनन की प्रक्रिया है यह मुख्यतः लैंगिक हार्मोन द्वारा ही नियंत्रित या प्रभावित होती है। शुक्रजनन की प्रक्रिया निम्नलिखित, शुक्रजनन की जो प्रक्रिया होती है निम्नलिखित 3 चरणों में पूर्ण होती है, जैसा कि अभी कुछ देर पहले ही बताया। पहले क्या होते हैं, गुणन प्रवस्था, गुणन प्रवस्था पहले। दूसरा क्या है, वृद्धि प्रवस्था। और तीसरा क्या है, परिपक्व प्रवस्था। परिपक्व प्रवस्था या परिपक्व मैच्योरेशन फेज। तो चलिए तीनों चरणों के बारे में जान लेते हैं। शुक्रजनन की प्रक्रिया निम्नलिखित 3 चरणों में पूर्ण होती है। पहली होती है गुणन प्रवस्था। गुणन प्रवस्था इसमें शुक्राणु जन कोशिका जो होती है, शुक्राणु जन ये कोशिका है, इसको बोलते हैं शुक्राणु जन कोशिका। इसमें समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन से ये कई सारी कोशिकाओं का निर्माण कर लेता है। ठीक, जो समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि जैसे अगर कोई कोशिका द्विगुणित है तो वो द्विगुणित कोशिका का निर्माण करेगी, अगर कोई कोशिका त्रिगुणित है तो त्रिगुणित कोशिका का निर्माण करेगी, अगर कोई कोशिका आगुणित है मीन्स कि एन है तो आगुणित कोशिका का निर्माण करेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि इस विभाजन से जैसे कि पैतृक में कोशिका थी वैसे ही संतति में वैसे ही, यानी कि विभाजन के पश्चात सेम वैसी ही रहती है, उसमें बदलाव नहीं होता। जब अर्धशूत्री विभाजन में क्या है, अगर द्विगुणित है तो वह आगुणित में परिवर्तित हो जाती है, द्विगुणित है तो किसमें, जैसे 2n है तो वो n में आगुणित में द्विगुणित से n आगुणित में बदल जाती है। ठीक है, चलिए समझते हैं। शुक्राणु जन कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है जिससे कई सारी कोशिकाओं का फॉर्मेशन होता है। ठीक, यह हो गया आपका गुणन प्रवस्था। ठीक, इसकी थ्योरी देख लेते हैं। गुणन प्रवस्था में शुक्रजनन नलिकाओं की जननिक एपिथीलियम की कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन, जननिक एपिथीलियम कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु जन कोशिका या स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होता है। यह कोशिका द्विगुणित होती है। शुक्राणु जन कोशिका या स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन होता है। मैंने बताया कि समसूत्री विभाजन के पश्चात कोशिकाएं वैसी ही होती हैं जैसे कि पूर्व में थी, अगर द्विगुणित है तो द्विगुणित और आगुणित है तो आगुणित, मीन्स कि यहाँ पर जो कोशिकाएं बनेंगी वह द्विगुणित होंगी। वृद्धि प्रवस्था में क्या होता है कि यही शुक्र जनन कोशिकाएं जो स्पर्मेटोगोनिया होती हैं ये अब पोषक तत्वों को ग्रहण करती हैं, पोषक तत्वों को ग्रहण करके या संचय करके अपने आकार में वृद्धि कर लेती हैं। ये आकार, ये इससे अगर आप कंपेयर करें तो इस कोशिका के तुलना में ये कोशिका कुछ बड़ी हुई नजर आ रही होगी आपको, मीन्स कि इसने पोषक तत्वों को संचित कर लिया है और अपने आकार में वृद्धि कर ली है, जिससे प्राइमरी यानी प्राथमिक शुक्र कोशिका का निर्माण होता है। वृद्धि प्रवस्था में क्या होता है, जो शुक्राणु जन कोशिका है ये अपने आकार में वृद्धि करने के लिए पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेती है, पोषक तत्वों को ग्रहण करने के पश्चात ये प्राथमिक शुक्र कोशिका में परिवर्तित हो जाती है। ठीक,
अब आगे क्या होता है, परिपक्वन प्रवस्था। परिपक्वन प्रवस्था क्या है, परिपक्वन प्रवस्था में हमें देखने को मिलता है कि जो शुक्राणु है उसमें पहली बार अधिसूचि विभाजन होता है, मीन्स कि ये अधिसूचि विभाजन। अच्छा, जो प्राथमिक शुक्र कोशिका है, प्राथमिक शुक्र कोशिका, इसमें समसूत्र विभाजन हुआ था, तो ये अगर यहाँ पर द्विगुणित थे तो ये द्विगुणित ही रहेंगे। प्राथमिक शुक्र कोशिका कैसी होती है, द्विगुणित। इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात ये अगुणित यानी कि एन अगुणित अगुणित कोशिकाओं का निर्माण करती है। और ये अगुणित कोशिकाएं कैसी होती है, द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं होती हैं। मीन्स कि परिपक्वन प्रवस्था में जो कोशिकाएं वृद्धि प्रवस्था में पोषक तत्वों को ग्रहण कर बड़ी हो गई थी, प्राक शुक्र कोशिकाओं का निर्माण कर लिया था, प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं का, उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात वे अगुणित द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, तथा दोबारा इसमें एक बार फिर से अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात जो ये द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं थी, ये पूर्व शुक्राणु या प्राक शुक्राणु या स्पर्मेटिड्स में बदल जाती हैं। अच्छा, यहाँ पर ये दो थी, प्रत्येक एक कोशिका हमेशा विभाजन के पश्चात दो कोशिकाओं का निर्माण करती है, और ये दो कोशिकाएं फिर से विभाजित होकर दो दो कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, यहाँ पर द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन, द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन में द्वितीय प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के में क्या कहते हैं, दो कोशिकाएं थी जिससे ये दो कोशिकाएं विभाजित होकर चार कोशिकाओं में परिवर्तित हो गई, और ये चारों कोशिकाएं अगुणित होती हैं। इन चारों कोशिकाओं को क्या बोलते हैं, पूर्व शुक्राणु या प्राक शुक्राणु या स्पर्मेटिड्स बोलते हैं। इनमें एक बार पुनः अर्धसूत्री विभाजन होता है, मींस कि पूर्व शुक्राणु जो कोशिकाएं बनी थी इनमें पुनः अर्धसूत्री विभाजन होता है। पुनः अर्धसूत्री विभाजन होने का जो मुख्य कारण यह है कि जो इसमें पूर्व शुक्राणु का फॉर्मेशन हुआ है या निर्माण हुआ है वे अचल प्रकार के हैं, मीन्स कि वो चलने योग्य नहीं है, तो कायांतरण है, तो उसमें एक बार पुनः से अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे ये एक क्या कहते हैं पूर्ण रूप से शुक्राणु का फॉर्मेशन कर देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इन शुक्राणुओं, जैसे शुक्राणु की संरचना अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कस की थी, वैसे ही संरचना का फॉर्मेशन ही कर लेते हैं, तथा इसमें पुच्छ या टेल का फॉर्मेशन हो जाता है। अच्छा, टेल का कार्य क्या बताया था कि ये शुक्राणुओं को गमन या गति प्रदान करने का कार्य करते हैं, मीन्स कि पूर्व शुक्राणु कैसे होते हैं, अचल होते हैं, तथा कायांतरण के पश्चात अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय कायांतरण के पश्चात ये पूर्ण रूप से क्या कहते हैं चल शुक्राणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं, पहले क्या होता है, शुक्राणु जन कोशिका जो कि द्विगुणित होती है, इसमें गुणन प्रवस्था प्रारंभ होती है। गुणन प्रवस्था में क्या होता है, ये कई बार अपने में विभाजन करते हैं जो कि समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन करने के पश्चात ये द्विगुणित प्राथमिक द्विगुणित कोशिकाओं का निर्माण करती है, और ये शुक्र जनन कोशिकाएं जब वृद्धि फेज आती है या वृद्धि प्रवस्था आती है, वृद्धि प्रवस्था में क्या करते हैं, ये वृद्धि प्रवस्था में पोषक तत्वों को ग्रहण करके अपने आकार में वृद्धि कर लेते हैं, जिससे ये निर्माण करते हैं प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं का। और ये प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, और द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं कैसी होती हैं, अगुणित यानी कि एन। और इन द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं में एक बार पुनः अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात ये पूर्व शुक्राणुओं का फॉर्मेशन करती है, मीन्स की पूर्व शुक्राणु इसे को बोलते हैं प्राग शुक्राणु या स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन करती हैं। ये शुक्राणु ये पूर्व शुक्राणु भी अगुणित होते हैं, ठीक, और ये चलने योग्य नहीं होते, मीन्स की ये अचल होते हैं, तथा इसमें कायांतरण की प्रक्रिया आरंभ होती है। शुक्र जिसको बोलते हैं शुक्र कायांतरण, शुक्र कायांतरण में क्या होता है, ये जो पूर्व शुक्राणु का फॉर्मेशन होता है ये अपने आकार को
परिवर्तित करके यानी कि काया में कायांतरण करके एक चल शुक्राणु का फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रकार ये चार शुक्राणुओं का निर्माण कर लेते हैं। तो यह था आज का क्या कहते हैं लॉन्ग आंसर, जो कि शुक्राणु सुप्रजनन की प्रक्रिया कैसे होती है, उसके कितने चरण हैं वो बताना था, जिसके बारे में विस्तृत बता दिया गया है। चलिए देखते हैं, आज आज के क्वेश्चन यहीं तक थे। अगर आपको ये क्या कहते हैं प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको करना क्या होगा, बस इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, आप हमारे AVS की पाठशाला टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे और ये जो जितना प्रैक्टिस सेट का मटेरियल है PDF के फॉर्म में आपको फ्री में प्रोवाइड हो जाएगा। और अगर आपको या फिर आप क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये एक लिंक दे रखा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक, तो अगर आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो या पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।